इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन की मासिक मीटिंग 15 नवंबर को जिला मोगा में आयोजित की गई। इस उपरांत सिरसा से डॉक्टर राजेश ने पित्त की पथरी के इलाज के संबंध में बताया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लंबे समय से रोगियों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा द्वारा इलाज कर रहे डॉक्टर जसविंदर सिंह समाध भाई ने चमड़ी के रोगों व अन्य रोगों के इलाज के संबंध में ट्रीटमेंट बताया। डॉक्टर जगजीत सिंह गिल जिला मोगा ने स्टेज संचालन किया। डॉक्टर मनप्रीत सिंह निहाल सिंह वाला ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 38 मेडिसिन से सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इस पैथी से मनुष्य के शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बठिंडा के डॉक्टर एस के कटारिया ने बताया कि बच्चेदानी व सभी प्रकार की रसौलियों को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी शुद्ध हर्बल है। ईडीएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर छिंदर सिंह कलेर ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का जन्मदिन 11 जनवरी को मनाया जाएगा।